शांति। आज 30 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत गुह्य बात सुनाई है। बाबा ने कहा, सतयुग में कोई पाप आत्मा नहीं है। उसका प्रमाण है कि वहां कोई भी प्रकार की बीमारी या कर्म भोग नहीं है। कोई आत्मा दुखी नहीं है, लेकिन हर आत्मा खुशी मौज में जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि सब पुण्य आत्माएं ही है। परंतु कलयुग के अंदर अनेक पाप आत्माएं हैं। उसका प्रमाण है कि यहां पर हर आत्मा दुखी है, अनेक रूप से बीमारियां आती है, कर्म भोग चुकतु कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं हिसाब किताब चुकतु करना पड़ता है। तो बाबा कहे, ये प्रमाण है कि सतयुग में कोई भी पाप आत्मा नहीं है। दूसरी बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई। बाबा कहे, शिव बाबा जब आते हैं संगम पर, तो बाबा आकर धर्म और राजाई दोनों स्थापन करते हैं। बाकी और धर्म पिताएं जब आते हैं तो वह सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, राजाई को स्थापन नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा आकर के इस वक्त धर्म और राजाई दोनों की स्थापना कर रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता है। यहां बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहां बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सोवेनिटी को, यानी राजाई को। अब तुम बच्चे जानते हो, सोवेनिटी स्थापन हो रही है, राजाई स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सोवेनिटी, रिलीजियो पॉलिटिकल, धर्म भी और राजाई भी, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है, और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूं, इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं, यू दूर देश से तो सब आत्माएं आती है, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं, उनकी आत्माएं दूर से आती है, परमधाम से आती है, अर्थात दूर से आती है। वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सोवेरनिटी स्थापक।
शिव बाबा को कहेंगे धर्म और राजाई दोनों के स्थापक। भारत में सोवेनिटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। उसी राजाई को प्राप्त करने के लिए बाबा कहे, तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल, नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना, बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। मनुष्य अपनी रचनात्मक बुद्धि से ख्याल करते रहते हैं ऐसे ऐसे मकान के डिजाइन बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। उसके पहले जब क्राइस्ट थे, जब शिक्षाएं देते थे, तब उसको क्रिश्चियन धर्म नहीं कहा जाता। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानियां शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है, यह भी जानते हो तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु ये कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते हैं। तुम जानते हो संगम युग पर हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, तो हम जानते हैं, देवताएं भी नहीं जानते हैं। बाबा कहे, तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, पित्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला, ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र शिव के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सी बात रहनी चाहिए, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो
तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समझते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लेटरिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, चार धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। चार धाम की परिक्रमा भी बाबा कहे पावन होकर के देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताएं पावन है, हम पतित है। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाओ? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहां लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं, यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, यह संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दुरान देशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इनको नंदी गण भी कहते हैं। बाबा के रथ को नंदी गण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है, सारा दिन कोई शिव बाबा सवारी नहीं करते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे सारा दिन सवारी थोड़ी होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे, बाबा तो आ जा सकते हैं। शिव बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूं, सेकंड में आ जा सकता हूं। बाबा को कितना टाइम लगता है? एक सेकंड में आ जा सकते हैं। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, यह आया। बाबा कहे तुम बाप को याद करो और यह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, परमधाम तक उड़ने की ताकत नहीं रही है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा कहे आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहां ये बातें होती नहीं। यहां है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग यानी लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अगर सन्यासी को भी अर्धांग यानी लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग है। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग।
देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। देवताओं को कभी कोई कर्म भोग होता नहीं है, बुखार जैसी चीज भी नहीं आती है। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा, बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं, स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेंगी भाभी, तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको रजाई देकर चला गया, प्रेम के आंसू आएंगे दुख के नहीं। यहां भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं, यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है, क्या फरमान है, याद की यात्रा करते रहो, जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगाकर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहां भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे तो पहले दौड़ी लगाकर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहां बैठे हुए वहां दौड़ रही हो, यहां भले बैठे हैं लेकिन बुद्धि से दौड़ रहे हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दुराम देशी बनो, तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा, इस समय तुम रावण के राज्य में हो, ये धरनी रावण की है, फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य, राम राज्य बाप स्थापन करते हैं, फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नूंदा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। बाबा को प्रश्न पूछते हैं, बाबा बताते हैं, बाबा कहे और कोई नहीं बता सकेगा, अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए, यह है पतित दुनिया, बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना, कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहां है नहीं, ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं, ब्रह्मा तो प्रजा पिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता है, जैसे बांवरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं कुछ पता ही नहीं है, रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादि काल से जलाते हैं, तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मते हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया, कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं, यहां आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है, मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, दिलवाड़ा में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई है इसलिए महावीर कहा जाता है, तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो, वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़, फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझे, दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो,
ये पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने, बाबा कहे तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती ग्लानी मेरी की है, शिव बाबा की सर्वव्यापी कहकर के सबसे जास्ती ग्लानी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं, विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, गाली में भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो यह अपने धंधे में था। ब्रह्मा बाबा अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं, सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना समझाते हैं बाबा आकर के, हम बच्चों को कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट दुरान देशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट है महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानी से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, इन्हें सिर्फ यूज करो। धन की भी शक्ति है, ज्ञान धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इतना ऊंचा सोमान बाबा ने दिया, इस पोजीशन में रह करके बाबा कहे इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस।